Assalamu alaikum. We'll be continuing chapter number 5, Physical States of Matter. For today's video, we'll be covering detailed questions. We have 7 detailed questions. Short questions or numericals, we have covered before. Question number 1, discuss the property of evaporation in liquids. Which factors affect the evaporation process? Liquid ki jo property hai evaporation ki, usko explain karna hai main. और ये बताना है किन किन वजहों की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन पे असर होता है. सबसे पहले एवेपोरेशन. एवेपोरेशन बेसिकली ये होता है कि एक लिक्विड जब गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एवेपोरेशन कहते हैं. और इस चेंज के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है. तो ये जो रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में कंसिडर किया जाता है. फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस एरिया. जितनी ज़्यादा जगह वो लेगा उतनी जल्दी से एवेपोरेशन होगा. लाइक सपोज जब पानी ज़मीन पे गिर जाता है तो पानी को हम लोग फैलाते हैं, उससे क्या होता है पानी जल्दी से सूख जाता है. इसी तरीके से जब चाय को ठंडा करते हैं तो हम लोग सॉसर के ऊपर उसको जो है पोर करते हैं, तो कप के मुकाबले में सॉसर वाला जो चाय होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है. उसका मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड जितनी ज़्यादा जगह लेगा वो उतनी ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट या उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा. सेकेंड फैक्टर होता है टेम्परेचर. यानी जितने ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा. यानी कि गर्मी के मौसम में कपड़े ज़्यादा आसानी से एवेपोरेट होते हैं, उसमें जो पानी होता है ज़्यादा जल्दी से एवेपोरेट होता है बनिस्बत ठंडे मौसम में या क्लाउडी वेदर में. एंड देन नंबर 3, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम है या वीक है तो उससे क्या होता है रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है. क्योंकि उनके फोर्सेस वीक हैं तो उसको आसानी से गैस फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है. लेकिन अगर उनके इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उस बॉन्ड को तोड़ना, उसको फोर्सेस को जुदा करना वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए उनका फिर रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होता है वो वीक होता है. इसी तरीके से परफ्यूम है, उसके पास क्योंकि लेस इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस है तो ज़्यादा आसानी से वो एवेपोरेट हो जाता है बनिस्बत वाटर को, जबकि वाटर में ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है हमें एवेपोरेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब बॉयल्स लॉ विद एन एग्जांपल. बॉयल्स लॉ बताना है. बेसिकली बॉयल्स लॉ ने बॉयल चार्ल्स इन दोनों ने मिलकर जो है गैसेस के लॉज दिए थे कि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उनकी जो चेंजेस आती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए चार्ल्स एंड बॉयल ने बहुत ज़्यादा काम किया था. तो रॉबर्ट बॉयल ने हमें ये लॉ दिया था कि अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. यानी अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, इसी तरीके से अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. तो ये एक दूसरे के उल्टे जो है ये काम कर रहे होते हैं. लेकिन शर्त ये दी गई थी कि टेम्परेचर जो है उसको कॉन्स्टेंट रखा जाए. मैथमेटिकली इसको इस तरह शो कर सकते हैं कि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, और फिर जब हम लोग प्रोपोर्शनल को जो है इजिकल टू को में चेंज करना होता है तो हम जो है वहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए के यूज़ किया है, उसके बाद उसको रीअरेंज किया है तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम्स प्रेशर. तो ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में ये दिया गया कि अगर आप कोई भी गैस लेते हैं किसी भी मास में और उसके अंदर टेम्परेचर को अगर आप कॉन्स्टेंट रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब प्रेशर को डिक्रीज़ किया जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. इसी तरीके से जब प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो आप वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज़ देखेंगे. लेकिन जो भी प्रोडक्ट होगा फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में दोनों में जब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों केसेस में आपको आंसर सेम मिलेंगे. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर को उन्होंने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, 300 पे रखा हुआ है. अब फर्स्ट केस के अंदर उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम है वो 4 रखा है और प्रेशर हमने नोटिस किया है कि वो 1 है. तो 4 times 1 is 4. इसी तरीके से जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 से हम डायरेक्ट 2 पे लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है उसका कम होके 2 पे चले जा रहा है. 2 times 2 is 4. तो दोनों केसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है और जो प्रोडक्ट निकल रहा है वॉल्यूम का एंड प्रेशर का, दोनों केसेस में हमारे पास 4 आंसर आ रहा है. उसका ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें बताने हैं. जो सबसे मेन डिफरेंस होता है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में वो ये होता है कि अमॉर्फस जो रहता है वो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर पाया नहीं जाता.
यानी ज्योमेट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग जो भी शेप्स पढ़ते हैं लाइक हेक्सागन, पेंटागन, सारे जितने भी शेप्स पढ़ते हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं। तो अमॉर्फस जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में पाया नहीं जाता, जबकि क्रिस्टलाइन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप में पाया जाता है। अब क्योंकि इनकी शेप जो है मखसूस नहीं होती, फिक्स नहीं होती ज्योमेट्रिकल शेप इनके पास अमॉर्फस के पास, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता, वो तब्दील होता रहता है। लेकिन क्रिस्टलाइन की क्योंकि उनके पास फिक्स शेप होता है, तो इनकी क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसी वजह से इनकी शेप जो है फिक्स होती है, तो इनके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। थर्ड है अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी अमॉर्फस सॉलिड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नजर आएंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, यानी कि इनके अंदर जो है आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर नजर आएंगी। फोर्थ, अमॉर्फस सॉलिड्स आर अनसिमेट्रिकल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है आप किसी भी डायरेक्शन में इसको कट करेंगे, हाफ करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट हाफ नजर आएगा, यानी मिरर इमेज नजर आएगा। लाइक अगर आप स्क्वायर को हाफ करते हैं तो आपको दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ या इक्वल साइज का आपको रेक्टेंगल नजर आएगा। तो इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड क्योंकि इनके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप पाया नहीं जाता, तो इसलिए ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। एंड द लास्ट, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये फिक्स क्लेवेज प्लेन्स में ब्रेक नहीं हो पाते, क्योंकि अनसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये फिक्स जिनके प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल्स के अपने, उस प्लेन के अंदर ये सही तरीके से उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उसको सिमेट्रिकली तोड़ा जा सकता है इन डिफरेंट प्लेन्स, एक्स वाई जेड प्लेन्स में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। पहले बॉयल्स लॉ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, नाउ वी हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं और जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं, एंड जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरीके से जितना वॉल्यूम को आप डिक्रीज करेंगे उतना ही टेम्परेचर भी उसके साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर हम लोग प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। सो यहाँ पे हो गया वी, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग इक्वल के साइन से एक्सचेंज करने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट हमने के लिया, फिर इनको अरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। तो ये वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास चार्ल्स लॉ हो गया। एग्जाम्पल वही है, इस बार हमने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने जो है प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है, और हम लोग नोटिस करेंगे कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है तो वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज होता जाता है, और जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोनों केसेस के अंदर हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर वॉल्यूम का आपस में डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कॉन्स्टेंट होगा, वो सेम आएगा आंसर। एंड इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा गया है 1.5 पे, यानी यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर 300 है और वॉल्यूम हमारे पास 2 पर है। इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर 600 है और वॉल्यूम 4 है। तो जब हम फर्स्ट केस में डिवाइड करेंगे 300 बाय 2 तो 150 आंसर आएगा। दोनों केसेस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो 150 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, स्टेट द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इट। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से फैक्टर इस पर अफेक्ट करता है। डिफ्यूजन बेसिकली होता है जब सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही होती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सब्सटेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो वो हाई कंसंट्रेशन होती है। तो जब सब्सटेंस वहाँ से मूव करके लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है जहाँ पे वो सब्सटेंस कम मात्रा में मौजूद होता है, तो इस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन लिक्विड्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑल्दो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। तो क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो इसीलिए इनके लिए काफ़ी ईजी होता है मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जब ये मूवमेंट हो रही होती है तो इससे क्या होता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के, दूसरे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर होमोजिनस मिक्सचर तैयार करते हैं। तो ये होता है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी फैक्टर्स ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफ्यूजन पे असर करती हैं। सबसे पहले है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
जिन मॉलिक्यूल्स के पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो डिफ्यूजन जल्दी से करते हैं बनस्पत उनके जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट आपको गैस में नज़र आएगा, फिर लिक्विड में नज़र आएगा, उसके बाद सबसे कम आपको डिफ्यूजन सॉलिड में नज़र आएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना छोटा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतनी जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, उतनी जल्दी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना रेगुलर शेप होगा यानी ज्योमेट्रिकल शेप में होगा मॉलिक्यूल वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन करता है बनस्पत इररेगुलर शेप के जो ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं होता। फोर्थ, टेम्परेचर जितना हाई होगा जितना गर्म होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज बॉइलिंग पॉइंट अफेक्टेड बाई डिफरेंट फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि बेसिकली पानी जो है या लिक्विड जो है वो उबलना, जिस पॉइंट पे पहला बबल नज़र आता है आपको उबलने का वो पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फैक्टर्स उसके अंदर हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है किसी जगह पे तो वहाँ पे किसी भी लिक्विड को बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसी तरीके से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग करने में टाइम कम लगेगा, वो जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी से अटेन हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा वहाँ पे। नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर लिक्विड्स जो हैं उनके पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स के पास बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिन लिक्विड के पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो जल्दी से बॉयल करते हैं और जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत देर से बॉयल होते हैं, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्वेश्चन 7, डिफाइन वेपर प्रेशर, जस्टिफाई दैट इट इज विजिबल इन अ क्लोज सिस्टम ओनली। वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर सिर्फ क्लोज सिस्टम में नज़र आता है या उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले वेपर प्रेशर ये होता है कि किसी भी प्योर लिक्विड के अंदर जब वेपर्स के जो प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी बेसिकली जब आप किसी लिक्विड को उबालते हैं तो वो जब लिक्विड गैस के फॉर्म में यानी भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भाप जो होता है वो बाकी लिक्विड पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, तो वो जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब होता ये है कि अगर आप उसको क्लोज सिस्टम में रखेंगे यानी उसको ढक के रखेंगे तो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। यानी सबसे पहले एक लिक्विड को उबालने के लिए रखा है, यानी वेपराइजेशन करने के प्रोसेस के लिए रखा गया है कि इतना उबाला जाए कि जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चला जाए। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वेपराइजेशन का प्रोसेस जो स्पीड है वो कंडेंसेशन की स्पीड से ज़्यादा होता है, यानी कि जो पानी उबल रहा है, लेट्स सपोज वाटर को उबाला जा रहा है, तो भाप जो ऊपर वाले लेयर से टच करके वापस जो लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो होता है कंडेंसेशन। यानी जैसे आप किसी पानी को उबालते हैं और ऊपर से ढक्कन डाल देते हैं, जब आप ढक्कन को उठाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उस ढक्कन के ऊपर आपको लिक्विड आपको यानी वाटर आपको उसमें से नज़र आएगा कि वाटर वहाँ पे चिपका हुआ है, काइंड ऑफ लाइक लगा हुआ है। तो वो जो ट्रांसफ़र होता है यानी जो प्रोसेस होता है जिसमें गैस वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो कंडेंसेशन का होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अभी तक जो वेपर बनने का स्पीड है वो कंडेंसेशन यानी कि वापस लिक्विड के स्पीड में से ज़्यादा है, और फिर जब ज़्यादा उबाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरी जो जगह है वो वेपर से भर गया है, तो जो वेपर बनने की जो स्पीड है और जो कंडेंसेशन की स्पीड है यानी वापस लिक्विड फॉर्म में आपस में आने की स्पीड है वो इक्वल हो जाता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है तो उस स्टेट को या उस टेम्परेचर में जो है हमारे पास वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाता है, यानी कि जब वेपर्स बनने की स्पीड और कंडेंसेशन यानी वापस लिक्विड में बनने की स्पीड इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम मिल जाती है हमें, तो हमारे पास वेपर प्रेशर नज़र आता है हमें। तो वही चीज़ होता है ये कि यहाँ पे जो है जब हम पार्शली फिल कंटेनर को सील कर देते हैं उसको कवर कर लेते हैं तो वो जो है फिर वेपर्स फेज में चले जाते हैं, ऐसा ऐसा जो लिक्विड होता है वो वेपर प्रोसेस में चले जाता है, लेकिन क्योंकि हमने उसको ढका हुआ है तो वहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल स्केप नहीं कर सकता। सो कुछ वक्त के बाद ऐसा होता है कि जो जगह जो स्पेस उसमें गिवन होती है उसमें और ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते, तो वापस वेपर जो है यानी कि जो गैस फॉर्म में बन जाता है वो वापस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है वेयर द रेट ऑफ प्रेशर एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ
कंडेंसेशन इज इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे एवेपोरेशन की स्पीड या वेपराइजेशन की स्पीड जो भी आप बोलें उनकी स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड इक्वल हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है। तो जो प्रेशर फिर क्या करता है, वो एक एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर जो वॉल ऑफ कंटेनर पर एग्जर्ट करते हैं उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर सिर्फ क्लोज सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम को हम ओपन कर देंगे तो जो भी हमारे पास वेपर्स बनते जाएंगे वो एयर के साथ मिक्सअप होता जाएगा, तो एक वो वेपर प्रेशर को एक इक्विलिब्रियम हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी हमारे पास एवोपरेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर जो भी गैसेस होंगे वो एयर के मॉलिक्यूल सब मिक्सअप हो जाएगा, तो वो एक जो है इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो सकता हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हो गया। यहाँ पे हम लोगों के डिटेल क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।